my dear friends. I welcome all the media people around of this country. Hi, this is Vaibhav Sharma, Guinness World Record holder. And today I will be the host and anchor for this today's wonderful Bollywood's largest medical camp and 19th RK National Excellence Awards. मेरे साथ हैं द मेलोडी सेंसेशन ऑफ दिस कंट्री भूमि त्रिवेदी जी, जिनकी आवाज़ भूमि की आवाज़ है, और रामलीला के सॉन्ग में आईफा अवार्ड नॉमिनेशन, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन. शी हैज़ बीन अ सॉन्ग ऑफ दिस, शी हैज़ बीन अ सिंगिंग सेंसेशन ऑफ दिस कंट्री, और शी इज़ हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़ ऑल्सो. शी जस्ट हैड अवर वंडरफुल शो इन न्यूयॉर्क स्क्वायर, राइट? जी, फीचर हुआ था. जी हाँ, न्यूयॉर्क स्क्वायर में अभी इनका फीचर हुआ था, उसके बाद या टाइम स्क्वायर पे इनका फीचर हुआ था, उसके बाद फिर अभी इन्होंने अहमदाबाद में शो किया, उसके बाद ये सीधा आफ्टर अहमदाबाद शी केम डाउन ओवर हियर. यस भूमि जी, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? सबसे पहले नमस्ते और धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग यहाँ पर आए. एंड वैभव शर्मा जी को मैं जब पहली बार हमारी बात हुई एंड वी कुड कनेक्ट इंस्टेंटली बिकॉज सबसे पहले ही इज़ अ म्यूज़िक लवर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रेट ओरेटर. सो आपके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आया मुझे, और काफ़ी सारी बातों के बारे में मुझे आपके बारे में पता चला. एंड सबसे पहले डॉक्टर 365 जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा मेडिकल कैंप, जिसका नाम है बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर, और ये जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनके लिए ये स्पेसिफिकली आई थिंक ये शिविर पहला है, दूसरा पहला है, पहला. इससे पहले तो मोर देन 29,000 मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं आरके शिविर से, सचिन के सेंटर के माध्यम से, लेकिन पर बॉलीवुड के लिए ये पहला मेडिकल कैंप है जो अपने आप में इतना बड़ा हिस्टोरिकल मेडिकल कैंप. सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़, क्योंकि आई थिंक जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी लाइफ बहुत ही इरेगुलर है, एंड ऑफकोर्स ये एक ब्लेसिंग भी है, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है कभी कभी, कि आप बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, अच्छी अच्छी जगहें देखते हैं, आप परफॉर्म करने भी जाते हैं लोगों के लिए, शूट करने भी जाते हैं. सो डिपेंड्स ऑन कि आप एक आर्टिस्ट्री में किस फील्ड में है एग्जैक्टली, एक्टिंग में है, सिंगिंग में है, कंपोजिंग में, और अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली विल गेट टू मीट अमेजिंग पीपल ऑन द गो. लेकिन जो लाइफ होती है वो काफ़ी अनसर्टेन और इरेगुलर होती है, एंड उसके चलते अगर ये थॉट रखा जाए कि बॉलीवुड डॉक्टर 365 जो मीडिया के लोगों के लिए और बॉलीवुड के लोगों के लिए, सारे आर्टिस्ट के लिए अगर ये कैंप, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रेट इनिशिएटिव. आई रियली वॉन्ट टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि इतना बड़ा स्टेप लेना, और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है हर किसी को, एंड डेफिनेटली आर्टिस्ट, क्योंकि बहुत ही आर्टिस्ट अपनी खुद की दुनिया में रहते हैं, कभी कभी खाना भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, टाइम पे सोना भूल जाते हैं, और उसके चलते जो कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि आज ये जो दिन है, इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल दी आर्टिस्ट जो अपनी शायद हो सकता है कि बहुत बिजी लाइफ में से हेल्थ चेकअप के लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन आज ये बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर जो ऑर्गेनाइज हुआ है, ये जो कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, इस इनिशिएटिव को मैं सलाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सभी को इतनी बड़ी रिलीफ दी है, बहुत बड़ी हेल्प है ये एक हम सभी के लिए, एक आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आई जस्ट वांटेड टू ऐड एन एक्स्ट्रा आइसिंग इनटू इट. भूमि जी, आप हमारे दावतनामे पर आज अपने इतने बिजी स्केड्यूल और व्यस्त कार्यक्रम से आई. माँ सरस्वती भारत रत्न लता मंगेशकर हमेशा ये कहा करती थी कि जो भी पार्श्व गायक होते हैं, पार्श्व गायिकाएँ होते हैं, उनके लिए संगीत सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं होनी चाहिए, संगीत एक पूजा, एक साधना, एक तपस्या होनी चाहिए. और जब मेरी पहली बार आपसे बातचीत हुई, मैं इस बात को पूरी मीडिया के सामने कहना चाहूँगा, मेरी पहली बार जब इनसे बातचीत हुई भूमि जी से, तो मुझे इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा हुआ कि इनके लिए संगीत, मौसीकी एक प्रोफेशन नहीं है, इनके लिए संगीत एक इबादत है, साधना है, तपस्या है, इसलिए इनका नाम भूमि है, और इसलिए इनकी आवाज़ में वो पुरखलुस कशिश है, इनकी आवाज़ में वो पुरखलुस कशिश है. आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि इनके सुरों के तान में एक खूबसूरत नगमगी की वेदी है, और दोस्तों जो नगमगी की वेदी की तपस्या में अपने कंठ से ज़मीन व आसमान को हम ज़बान करें, उनका ही नाम भूमि है. थैंक
थैंक यू सो मच भूमि टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सच अ वंडरफुल प्रोसीडिंग्स और रामलीला के आपके सामने राम कहे लीला कहे राम मैं चाहूँगा अगर दो लाइन अगर आप गुनगुनाते हो तो दैट विल बी रियली ग्रेट श्योर डेफिनेटली थैंक यू सो मच शर्मा जी कि आपने मैं क्या ही कहूँ कि इस तरह से किसी ने वर्णन ही नहीं किया ऐसा हुआ नहीं है बट दिस इज एब्सोल्युटली ग्रेट दैट्स व्हाई इवन इन द बिगनिंग ऑफ यू डिजर्व इट यू डिजर्व इट थैंक यू सो मच आई यू आर अ ब्यूटीफुल ओरेटर थैंक यू सो मच फॉर दिस और आप और भी मुझे संगीत के करीब लेकर आ रहे हैं अरे सो थैंक यू सो मच फॉर दैट और आप सभी के लिए अ कपल ऑफ लाइंस आई यस यस ऑल द मीडिया पीपल भूमि त्रिवेदी ऑफ रामलीला जोगी जोग मुखी मगन माया मा घेलो थई गयो श्वेत काया मा मनन करे लीला एकज ना रघुपति राघव राजा राम रामलीला 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 राम हो राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम ओ इनका तो फंडा है सिंपल सा यार गोली मारो तो पंगा आँख मारो तो प्यार राम चाहे लीला चाहे राम इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम थैंक यू मैंने जैसा आप लोगों से कहा था दोस्तों कि ये भूमि की आवाज़ है ये धरती की आवाज़ है ये संस्कृति की आवाज़ है और जब संस्कृति और साथ में अभिव्यक्ति मिलती है तभी दोस्तों संगीत की सर्वोत्तम कृति अपनी अभिव्यक्ति के साथ में शास्त्रीय संगीत भारतीय फिल्म उद्योग जगत का संगीत और साथ में धरती का संगीत मिलकर ही भूमि बनती है तो थैंक यू सो मच एंड इट इज़ रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव नाउ वी आर पुशिंग फॉरवर्ड फॉर आवर अवार्ड सेरेमनी थैंक यू सो मच बहुत खुशी हो रही है आज जनता के बीच में आके और जो भी लोग मीडिया के लोग और जो उसके स्टाफ उसके वर्कर जो लोग भी यहाँ पे आए उनको हमारी तरफ से जितना हो सका उतना हम लोगों ने मदद करने की कोशिश की जहाँ तक हो सका व्हील चेयर देने का कोशिश किया स्पेक्टिकल देने की कोशिश किया पूरा फुल बॉडी चेकअप कराने का कोशिश किया और मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे आके उसका फ़ायदा उठाया बहुत आदमी ने व्हील चेयर लिया है और आके लेके गए हैं और हमारे काम का फ़ायदा उठा के गए इस इवेंट के माध्यम से हमने देखा है बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग यहाँ पे हैं जिनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन वो चीज़ उनके तक पहुँच नहीं पाती है तो हमारी एक कोशिश है हमारी कंपनी की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि वो सारी चीज़ अपने उन लोगों तक पहुँचे जिनको सख्त ज़रूरत है और उसके लिए हमने ये 360 डॉक्टर 365 का जो फ्री मेडिकल कैंप है ट्रस्ट के लेवल पे जो काम हो रहा है सारा जो सामान वगैरह है उसको फ्री में देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारी तरफ से हमारे और हमारी कंपनी की तरफ से जितना मदद हो पा रहा है उतना मदद करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हमारे को उम्मीद है कि बहुत सारे आदमी हमसे सामान लेके सेटिस्फाइड होंगे खुश होंगे और उम्मीद है कि अगली बार जब भी हम कोई इस तरह का प्रोग्राम करेंगे और फ्री कैंप अगर करेंगे हम पूरा मीडिया को इंटीमेट करेंगे तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ और उसका फ़ायदा उठाएं हमारी दिल से तमन्ना है कि जो आज जो लोग आए थे उम्मीद है कि अगली बार उससे कहीं ज़्यादा लोग आएंगे हमारे पास और उसका फ़ायदा उठा के जाएंगे और उम्मीद है कि जो आदमी इस बार नहीं आ सके तो अगली बार ज़रूर आएंगे और हमारा और हमारी एक कोशिश रही है कि जहाँ तक हो सके पब्लिक तक पहुँच सकूँ उम्मीद है कि हम वहाँ तक पहुँच सके हैं बहुत सारे आदमी आए थे आज उनका उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया और उम्मीद है कि वही लोग आगे जाके और भी आदमी को बोलेंगे और भी जो संख्या है बढ़ेगी तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई काम करेंगे तो उम्मीद है कि इससे कहीं ज़्यादा लोग आएंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे थैंक यू सो मच थैंक यू हमारे को ऐसा लगता है 15,000 से 20,000 लोग तो कम से कम 15,000 से 20,000 लोग आए होंगे आज के दिन में यस यस उम्मीद है कि अगली बार हम इसको और बड़ा करें और बड़े लेवल तक जाएं जहां तक हो सके हमने पूरा कोशिश किया है प्रिंट में प्रिंट मीडिया में प्रेस में मैंने प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, बहुत आदमी का, बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मैंने इन्वाइट भी लिया था और उन लोगों ने भी बहुत कोशिश किया है, प्लस फिल्म प्रोडक्शन के चेयरमैन वगैरह भी आए थे, उन्होंने बहुत सारे फिल्म के आदमी लोग को इंटीमेट किया था आने के लिए। मैक्सिमम लोग आए हैं और बहुत लोग हो सकता है नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगली बार जरूर आएंगे। ये कैंप को देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि अगली बार हमें 100% आदमी ज़्यादा डबल आएंगे। थैंक यू सर। के बारे में काफ़ी लोग आए जी। बहुत नमस्कार सर, सबसे पहले मैं अपना मीडिया बंधु लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने आकर इतना बड़ा कवरेज लिया इतना बड़ा प्रोग्राम का, तो सबसे पहले आपका स्वागत और अभिनंदन। रही बात जो आके अच्छे हुए रिसेप्शन केयर सेंटर जो है, ये तो वर्ल्ड नोन केयर सेंटर जो है, इनका मेडिकल कैंप में अगर आज का दिन में आप गूगल में भी सर्च करोगे वर्ल्ड का बिगेस्ट मेडिकल कैंप, तो आर के एच आई वी रिसेप्शन केयर सेंटर का नाम आ जाएगा। और मैं खुश हूँ किस्मत है मेरा कि मैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हूँ और कम से कम लोगों को उसको सेवा प्राप्त करने का मुझे मौका मिला। मैं मेरा जो चेयरमैन है डॉक्टर धर्मेंद्र जी और मेरा जो डायरेक्टर है मनीष वर्मा जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इस काबिल समझा मुझे, उन्होंने एक शो करने का मौका दिया। थैंक यू। सर आपका परिचय दीजिए और आज मेडिकल कैंप काफ़ी अच्छा रहा बताइए। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, चेयरमैन डॉक्टर त्रिशिक्षी पाए। लास्ट 3 महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको हम मेडिकली सपोर्ट दे करके, जो डिप्रेशन की अवस्था में गुजर रहे थे मीडिया एंड मेडिकल के कुछ तबके के लोगों के लिए, तो उसमें डॉक्टर त्रिशिक्षी पाए का एक सपोर्ट दे करके उनके जिंदगी को कैसे खुशहाल कर सकें, ये हम लोगों ने 3 महीने पहले प्लानिंग किए। एंड आज आपके सामने है कि हमने तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन मंगवा करके, 200 से ज़्यादा व्हीलचेयर मंगवा करके, तमाम हज़ारों की तादाद में चश्मे मंगवा करके, और हमने 2-2 लाख रुपए का ई श्रम कार्ड दे करके लोगों को हमें खुशहाल देखना चाहता था, जो आज हमने ये सारी फैसिलिटी दे करके हमने बड़े लोगों के ऊपर मुस्कुराहट देखते हुए मैंने देखा। और मेरा कोशिश यही ख़त्म नहीं होगा, अगले साल 14 जनवरी के लिए हमने फिर से अनाउंस कर दिया कि इसे 20 टाइम ज़्यादा बड़े लेवल पे इस तरह के कार्यक्रम फिर मैं आयोजित करूँगा और कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में लोगों को बेनिफिट दे करके खुशहाल बॉलीवुड में देखना चाहता हूँ, जो कि मैं करना चाहता हूँ। डॉक्टर 365 का एक ही नारा स्वस्थ भारत देश हमारा, उस मुहिम में हमने सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे एक दिन में 1,07,000 पेशी दे करके मोदी जी को बहुत बड़ा स्वागत दिया, और आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये आज के दिन आज इतने सारे पेशेंट दे करके, चाहे आप मीडिया के फैमिली का की बात हो या बॉलीवुड की फैमिली की बात हो, आज लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत शिरकत के साथ आए और उसका बेनिफिट लिया। एंड उनके चेहरे पे मुस्कुराहट मैंने पहली बार देखा, मैं ये मुस्कुराहट सदा देखना चाहूँगा और देखते रहना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ और बोलना चाहेंगे और कुछ मतलब ऐड करना चाहेंगे आप? बॉलीवुड के स्टार भी आ रहे हैं, उसको बोलना चाहेंगे? इसमें काफ़ी सारे फिल्म इंडस्ट्री के बॉलीवुड के कलाकारों ने सपोर्ट किया, सब अपने अपने बाइट्स बना करके भेजे और सब ने उम्मीद ये किया कि शाम को सेकंड जो हम लोग अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं उसमें काफ़ी बॉलीवुड कलाकार आ रहे हैं अवार्ड में शिरकत करने के लिए, और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम जिनका भविष्य आया है, चाहे राजकुमार राव, हेमा मालिनी के साथ साथ तमाम ऐसे बॉलीवुड कलाकार हैं, अनु मलिक हास्य कलाकार में, नवीन प्रभाकर के साथ साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सबको उनको सम्मानित करके डॉक्टर त्रिशिक्षी भाई की तरफ से स्वस्थ बॉलीवुड करने में एक डॉक्टर त्रिशिक्षी भाई का बहुत बड़ा अहम योगदान है।
डॉक्टर 65 ने अभी तक 27 सालों के जर्नी में 29,700 से ज़्यादा हेल्थ कैंप करके 3,55,00,000 से ज़्यादा पेशेंट देख करके 96,000 से ज़्यादा लोगों का सर्जरी कराते हुए हिंदुस्तान के हेल्थ के GDP रेट बढ़ाने में सपोर्ट किया है। और हमारी कोशिश है कि जब तक हमारी टीम की जज्बा रहेगी, मैं हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक स्वस्थ हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ। इसी क्रम में आज का एक प्रयोजन था और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी आने वाले समय में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ज़रूरत पड़े मैं लेता रहूँगा। और इसमें मैं थैंक्स टू मेरे सपोर्टर्स ONGC, गेल, IOCL, HPCL, BPCL, महानगर गैस के साथ साथ स्पेशल थैंक्स रोटरी इनरविल के साथ साथ वल्चर ग्रुप का स्पेशल बहुत बहुत सपोर्ट रहा। दिल के सपोर्ट से ये कार्यक्रम हम लोगों ने इस लेवल तक करने में सफलता हासिल की। और आज काफ़ी लोगों ने मुझे आकर के आश्वासन दिया कि सर अगली बार इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जितना आपको सपोर्ट चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज ही मैंने अनाउंस कर दिया अगले बॉलीवुड के कार्यक्रम के लिए कि अगली बार हम 1,00,000 को पार करके नहीं करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। उसके पीछे जो बहुत जरूरी चीज होती है वो होती है फंड की। तो डॉक्टर ने मेरी ड्यूटी में लगाई है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी एस आर फंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को मूव करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुँचा सकें। थैंक यू। थैंक यू राजेश। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, इट्स अ वेरी नोबल थिंग जो 365 डॉक्टर टीम कर रहे हैं। एंड धीरज कुमार जी जो हमेशा हमारे बॉलीवुड और प्रेस वालों के लिए आगे रहते हैं, तो हमारा तो फ़र्ज बनता आने के लिए। मैंने बाइट्स भेजी थी बट आई वॉज शूटिंग फॉर माई शो इन मडाईलैंड, सो वहाँ से जितनी जल्दी मेरी कोशिश थी मैं आ गई। एंड थैंक गॉड ख़त्म होने से पहले मैं आ गई हूँ। सो आई कैन जस्ट से कंग्रेचुलेशन टू एंटायर टीम एंड कीप डूइंग दिस वर्क। एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री का हम सबका साथ हमेशा साथ में रहेगा। एंड थैंक्स टू हिमांशु फॉर दिस। सीरियल के बारे में कुछ बताइए। नाम रुकी सीमा मैं कर रही हूँ जो स्टार भारत पे आता है मंडे टू फ्राइडे 8:00 एंड इट्स नंबर 1 शो ऑन हॉट स्टार। और अभी हमने 200 एपिसोड कम्प्लीट किए हैं एंड आई एम प्लेइंग पॉजिटिव रोल सत्यवती इन दैट एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो आई कैन जस्ट से कीप लविंग मी, कीप इन योर प्रेयर्स एंड आई कीप डूइंग गुड वर्क। थैंक यू।